गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्याची सरकार स्थापन करण्यासंबंधी मोठे डावपेच सुरू होते. या दरम्यान मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल हे अत्यंत निकटवर्गीय असणारे तसेच नेते आणि राज्याचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनाकरिता आधी सुरत, नंतर गुवाहाटी, मग गोवा आणि शेवटी मुंबई पोहोचून आपल्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनविण्यात महत्वपूर्ण कामगिरी बजावली. मेळघाट मतदारसंघाकरिता विकासाच्या दृष्टिकोनातून आपले प्रत्येक निर्णय घेणारे आमदार राजकुमार पटेल यांनी मेळघाटच्या विकासाला प्राधान्य देऊन एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता, असे त्यांनी आपल्या पहिल्या मुलाखती दरम्यान सांगितले. एकनाथ शिंदे म्हणजेच मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांचे नेते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले असून आता मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्याने मेळघाटाचा विकास अधिक गतीने आणि सर्व बाजूने होणार असल्याची माहिती सुद्धा आमदार राजकुमार पटेल यांनी दिली आहे. आज 15 दिन बाद मैं घर वापस आया हूँ. जो 50 विधायक सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब के साथ थे, उनका सबका अपना मतदार संघ का दुखना था, उसी प्रकार का दुखना मेरा भी मेलघाट मतदार संघ में. जैसे आज से हमने 4 महीने पहले दवाखाने के लिए हमने सिर्फ जगह मांगे, हालांकि गवर्नमेंट की जगह है, जगह देने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी, पर उसमें भी राजकारण किया गया. यानी आज हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं, हमारे एरिया में दवाखाने की सुई उपलब्ध नहीं है. हमको अगर मान लो एक आधी बोतल ब्लड की भी ज़रूरत पड़े तो हमको एम्बुलेंस हमारे 5,000 रुपये में एक बोतल के लिए एम्बुलेंस अमरावती तक जाती है, हमारे लिए दुख की बात है. दूसरा मुद्दा यह है कि CM साहब ने, उद्धव साहब ने जो निर्णय लिया है कि भाई टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर से हमारा रेलवे को नहीं जाने देना है और उन्होंने खानदेश तरफ उसको मोड़ दिया है. अब ये बताइए कि अपने मतदार संघ के कम से कम 50 ऐसे गांव लगे हुए हैं कि जो आकोड़ में 20 रुपये में जाते और 20 रुपये में आते थे, और आज अगर ब्रॉडगेज हो जाए तो हम आधा घंटे में जाके और आधे घंटे में वापस आ भी सकते हैं. यानी किसी को यकीन भी नहीं होता. हम जो भी जितने भी 50 विधायक जो साथ में गए हैं वो अपना अपना क्षेत्र के दुखना था, और ये जितने भी मतदार संघ के जो विधायकों ने जो शिंदे साहब को बताया, इसलिए शिंदे साहब ने ये कदम उठाया. और आखिर योगायुक्त को मुख्यमंत्री बन भी गए, पर मुख्यमंत्री बनने के वजह से अब हमारे मेलघाट की पूरी समस्या हल हो जाएगी. तस्मिन शेख, जुगल किशोर जायसवाल सह सुलेमान मेमन, विदर्भ न्यूज, धारणी.